everyone. Today we will discuss the deleted chapters of English of class 12th Haryana Board. जो भिवानी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके कौन कौन से चैप्टर्स इस साल कोविड के कारण जो है डिलीट कर दिए गए हैं, यानी कि काट दिए गए हैं. अब जो पेपर आपके होंगे, एग्जाम जो होएगा 2021 में, तो उनमें कौन कौन से चैप्टर्स आपके नहीं आएंगे. डिलीटेड चैप्टर्स ऑफ द बुक फ्लेमिंगो, एक आपकी किताब है फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो में से आपके ये 3 चैप्टर्स नहीं आएंगे. पोएट एंड पैनकेक्स, ये आपका चैप्टर नहीं आएगा, ये कट हो गया है. सेकेंड चैप्टर है द इंटरव्यू पार्ट 1 और 2, ये भी आपका कट कर दिया गया है. एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे. एंड द थर्ड चैप्टर इज गोइंग प्लेसेस, ये भी आपका चैप्टर कट कर दिया गया है. इन चैप्टर्स को अब आप रिवाइज नहीं करोगे. डिलीटेड चैप्टर्स ऑफ द बुक विस्टास, यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर जो आपकी सेकेंड बुक है, उसमें से कौन कौन से चैप्टर्स आपको नहीं करने हैं. फर्स्ट चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये आपको नहीं करना है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये चैप्टर करवा दिए गए हैं, तो आपको अपनी नोटबुक में कट का निशान लगा देना है कि भाई ये चैप्टर्स हमें नहीं करने हैं, या अपनी बुक में जो है चैप्टर्स के आगे जो है ऐसे कट का निशान कर दो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे. सेकेंड चैप्टर है आपका मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये 2 पार्ट्स हैं इस चैप्टर के. फर्स्ट पार्ट इज द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, ये भी आपको नहीं करना है. वी टू आर ह्यूमन बींग्स, ये भी नहीं करने हैं. अब हमने देख लिया कि कौन कौन से चैप्टर्स हमने नहीं करने हैं इस साल. डिलीटेड टॉपिक्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर में आपको क्या क्या नहीं करना है. एक टॉपिक है आपका पोस्टर्स, ये आपको नहीं करना है, अब ये कट कर दिया गया है. लेटर राइटिंग, किसी भी प्रकार का लेटर आपको नहीं करना, ना एप्लीकेशंस करनी है ना लेटर करना है. नोट मेकिंग, ये भी आपको नहीं करना. ये तीनों टॉपिक्स अब आपके नहीं आएंगे. अब हम देखते हैं ग्रामर में करना क्या क्या है, क्या करें अब हम. टॉपिक्स ऑफ ग्रामर यू हैव टू डू, फर्स्ट इज नोटिस एडवर्टाइजमेंट, ये दोनों टॉपिक आपको करने हैं. मतलब नोटिस भी आएंगे एग्जाम में और एडवर्टाइजमेंट भी, 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है. टेंस, 2 मार्क्स के आते हैं. करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, रिपोर्ट्स एंड पैराग्राफ, ये भी आपके 5 मार्क्स के आते हैं. नरेशन, चेंज ऑफ वॉइस, नरेशन को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, चेंज ऑफ वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये भी आपको करने हैं. अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, ये 5 मार्क्स का आता है, ये भी आपको करना है. मॉडल्स, यानी कि आपको ये टॉपिक्स जो हैं अब ग्रामर के करने हैं. कौन कौन से, नोटिस करने हैं, एडवर्टाइजमेंट करनी है, टेंस करने हैं, रिपोर्ट्स करने हैं, पैराग्राफ करना है, नरेशन करना है, चेंज ऑफ वॉइस करनी है, अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन करना है, मॉडल्स, ये सारे टॉपिक्स आपको अब करने हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.